अध्याय सातवां श्लोक 21। जैसे फूल में सुगंध होती है, तीलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य ने साधन और साध्य दोनों का स्पष्ट कथन किया है।